अर्नाजा आपके समक्ष कक्षा 7वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 28 लेकर के उपस्थित, यह दिनांक 1 नवंबर 2021 का है। हमारा टॉपिक है त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज का बाह्यकोण और उसके गुण की चर्चा करें। एक त्रिभुज का बाह्यकोण बनता है, बाहर का कोण बनता है जब त्रिभुज की एक भुजाओं को बढ़ाया जाता है। ये जो त्रिभुज है उसकी एक किसी एक भुजा को बढ़ाते हैं तो आप प्रत्येक शीर्ष पर दो तरह के बाह्यकोण बनाए जा सकते। आओ कागज पर काटने और चिपकाने से गतिविधि का आनंद ले। एक त्रिभुज एबीसी बनाए बना लिए, त्रिभुज एसीबी का अक्ष बनाए। अब उस पर ट्रेस कॉपी पे हम एसीबी का ट्रेस कॉपी पे उस पर बनाए। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया, ठीक है, मतलब इस ये बना लिए, इसकी ट्रेस कॉपी यहाँ पे बनाइए। एसीडी का बाह्यकोण बनता है इस प्रकार से, एसीडी एक बाह्यकोण बनता है। अक्ष पर जो कोण है ये अलग अलग कोण, इसको काट लीजिए और देखेंगे, ये तो सी है ही, ए और बी को काट करके यहाँ पे चिपकाएंगे तो इस तरह से ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो इस प्रकार बाह्यकोण जो बना तो कोण ए सी डी बराबर में ये ए कोण किसका नाम दिए थे तो हम यहाँ पे लिखे ए और यहाँ पे बी, यानी जो बाह्य कोण होता है, हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का माप उसके दोनों सम्मुख अंतः कोणों के माप के योग के बराबर होता है। अब इसका जो है अपने बगल वाले को छोड़ करके, यानी इसको छोड़ करके, बाकी जो दो अंतः कोण है इसके जो सम्मुख दो अंतः कोण है उसके योग के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर बनने वाले कोण बाह्य कोण समान होंगे? ये कोण सामान्य नहीं होता है, ये कोण तब होगा जब सारे कोण बराबर बराबर होगा। यहाँ पे ये भी बराबर समकोण में हो सकता है, समबाहु में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता। निम्न आकृतियों में बाह्य आकृति और अंतः कोण को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो हिंदी में दिए गए आकृति है और इंग्लिश में दी गई आकृति है उसमें बहुत कंफ्यूजन है, तो हम इंग्लिश वाली आकृति को लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इंग्लिश वाले वर्कशीट को लेकर के। तो यहाँ पे x की वैल्यू कह रहा है ज्ञात करने के लिए। अब ये 70 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है, तो ये आप जानते हैं जो कि त्रिभुज के जो ये बाह्य कोण है, एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण है, तो इस दोनों का जोड़ होगा यानी 120 डिग्री हो जाएगा, 70 और 5। अब ये 60 है, ये 120 है, तो बाह्य कोण हो गया ये तो इसमें से ये कोण निकालने के लिए 120 में से 60 घटाएंगे तो ये आएगा 60 डिग्री, इसका सही आंसर। अब यहाँ पे आपको ये 35 डिग्री दिया हुआ, तो ये 75 है, तो ये और ये कोणों का योग 180 होगा, यानी 75 बराबर होगा x प्लस 35 डिग्री। तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 75 में से 35 घटाएंगे तो हमारा मान हो जाएगा 40 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 40 डिग्री सही आंसर। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।